नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद का सबसे लंबा और पुराना रोड है, जो कानपुर, बागा, जहानाबाद, अमौली, जोनेहा, ललौली, बहुआ, गाजीपुर, विजयपुर, रक्षपालपुर, धाता होकर मंजनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज को जोड़ता है। लेकिन बड़े ही डैक के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रोड की केवल मात्र लकीर देखकर धर्मेंद्र दीक्षित, बहियापुर प्रवीण पांडेय, दो दिवसीय पैदल यात्रा कर उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश किया और 2024 सांसद 49 लोकसभा प्रत्याशी महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज ने भी रोड का जायजा लिया और उन्होंने कहा भी कि सरकार के पास पैसा खूब है और उन्होंने गढ़ा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन इस रोड और इस रोड क्षेत्र वासियों का दुर्भाग्य है, जो 20 सालों से इस रोड की दुर्दशा है। इसका मतलब यह है कि इस रोड के नाम से केवल वोट मांगते हैं और कुछ नहीं। आप लोगों को बताते चले कि मोहारी रायपुर भसरौल के श्याम दीवाना गायक, जो माया नगरी मुंबई में 2017 से संगीत दुनिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस रोड बनाने को लेकर गीत के माध्यम से योगी जी और मोदी जी से विनती की है। और एक रायपुर भसरौल से किशनपुर रोड भी मिट्टी में मिल चुकी है। आए सुने क्या कहा महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज और रोड किनारे रहने वाले लोग और श्याम दीवाना गीतकार ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। ये ग्रामीणों की पीड़ा समझिए कि अगर बाढ़ आ जाए तो बच्चे डूब भी सकते हैं और निकलने की तो बात ही ना करें। इस रोड के विषय में बताइए। अरे इस रोड में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आज तक यहाँ कोई ना सांसद ना विधायक यहाँ देखने के लिए तक नहीं आते हैं। यहाँ के दयनीय दशा बिल्कुल बेहतर हो रही है, जो आज तक किसी सांसद विधायक को यहाँ मौके पर देखने के लिए, आज लोग परेशान हैं, ना किसी से मिलना है ना किसी से बात करना है, और अपना काम करके तुरंत चले जाते हैं, वोट लेते हैं और वोट का अपना काम खसकाए चले गए। यहाँ ऐसे सांसद विधायक को आप किस नज़रिए से देखेंगे? ऐसे सांसद विधायक को तो हम तो एकदम निगलेक्ट में समझते हैं, जो इसका कोई उपयोग ना हो उसका दुरुपयोग करना चाहिए। आप इस बार 2024 में कैसा सांसद बनाना चाहते हैं? हम एक अच्छा, ईमानदार और विकासशील सांसद बनाना चाहते हैं। जैसे श्याम दीवाना कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो गीत है, गीत संगीत की दुनिया में कब आप जो है प्रवेश हुए? सर, मेरा गांव ग्राम मोहारी रायपुर भसरौल है। जी जी। और मैं संगीत लाइन पे 2017 से मैं बॉम्बे में रह के वहाँ पे इस क्लास किया और वहाँ पे मैं गायकी स्टार्ट किया जी। और अभी भी मेरे रेगुलरी बहुत सारे गाने आ रहे हैं, जो मैंने विजयपुर गाजीपुर रोड बनाओ और काफ़ी सारे हैं, भोजपुरी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, माधव भजन और भी काफ़ी सारे सॉन्ग हैं जी। जैसे कि आपने बताया कि विजयपुर गाजीपुर रोड बनाओ, इस पर क्या गीत तैयार किया है आपने? सर, अभी तो हमारे जो गांव के हमारे धर्मेंद्र दीक्षित जी ने जो पद यात्रा चालू किए थे, और विजयपुर गाजीपुर रोड तो बहुत ही ख़राब है जी। तो हमारी योगी जी और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, विनती है कि विजयपुर गाजीपुर रोड बनाए जी, और हमारी यही दुआ है उनसे। क्या गीत बनाया है, गुनगुनाएंगे आप? जी सर, हम बस यही कहना चाहेंगे कि विजयपुर से गाजीपुर तक रोड बनवा दीजिए, आज की विजयपुर से गाजीपुर तक रोड बनवा दीजिए, अरे योगी जी हमारे एक बार जी रोड के जांच करवा दीजिए, अरे योगी जी हमारे एक बार जी रोड के जांच करवा दीजिए। ये कितने दिनों से ऐसी रोड पड़ी हुई है? सर, ये काफ़ी दिनों से है और ये रोड पास भी हो चुका है। ये कितने बार पास हो चुका है? जी, ये काफ़ी वर्षों, मतलब काफ़ी दिनों से ये रोड पास हो गया। कब से आप सुन रहे हैं कि ये रोड पास हो चुका है? जी, हमने तो अभी जो पदयात्रा धर्मेंद्र दीक्षित जी ने किया था, तो हमें उन्हीं के जरिए हमें इतना सब ज्ञान मिला कि मतलब रोड के बारे में। आपको कुछ... आपको दीवाना जी एक ये मालूम है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं महंत पंडित विजय कुमार शर्मा, उन्होंने भी इस रोड में जाके लोगों से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि इस रोड को हम जल्द बनवाएंगे। ठीक है, तो वहाँ बहुत से लोग और विधायक जो वहाँ के क्षेत्र, दो दो तीन तीन विधायक उस रोड में पड़ते हैं,
वो नहीं आज तक बनवाए हैं। आप गीत के माध्यम से कैसे योगी जी को जगाएंगे? सर, हम यही चाहते हैं कि अभी विजयपुर गाजीपुर रोड में ऐसा नहीं कि पर डे एक्सीडेंट होता है, और जो सबकी माता बहन है, भाई है, जो भी है, और पर डे दुर्घटना होता है जी। और हमारा जो किशनपुर रोड है वो भी बहुत ही ख़राब है, वहाँ पर डे कोई ट्रैक पलटी होता है, कोई गाड़ियाँ पलटी होती हैं। तो हम योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए और विजयपुर गाजीपुर रोड बनवाइए। श्याम दीवाना जी, जैसा कि आपने बताया कि हम 2017 से इस संगीत दुनिया में माया नगरी में प्रवेश कर गए जी, अभी तक आपने कितने गीत बनाए होंगे और कौन कौन सी भाषाओं में बनाए होंगे? सर, भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया और माता भजन हो गया, हमने नवरात्रि का भी गाने गाए हैं जी। और अभी जो भी और रेगुलरी चल ही रहा है, तो संगीत लाइन पे हम हैं और हम जब तक रहेंगे जब तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी जी। और हम ये संगीत लाइन ऐसा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम चाहते हैं कि हमें कुछ आप सबका सपोर्ट मिले। और हम विजयपुर गाजीपुर रोड के बारे में तो हम कहना चाहेंगे कि योगी जी से कि आप विजयपुर गाजीपुर रोड जल्द से जल्द बनवाएं। आपने इसके पहले जो है एमपी न्यूज कास्ट चैनल पे आए थे जी, और वहाँ पे जो है ये बताए थे कि जो देशभक्त वैष्णो दास हैं, फतेहपुर जनपद के हैं, वो भी पद यात्रा कर रहे हैं, देश की तीनों सेनाओं की सलामती के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी गीत बनाएंगे? यस सर, जरूर बनाएंगे जी। और उनके लिए या फिर कोई चालीसा या आल्हा या कोई भक्ति सॉन्ग, उनके लिए हम 4-5 सॉन्ग कंप्लीट करेंगे जी। और हम तो उनके बारे में बहुत उनको प्रणाम करते हैं जो पद यात्रा कर रहे हैं जी। और बहुत खुशी की बात होती है कि हमारे फतेहपुर ज़िला के ऐसे व्यक्ति हैं, हमने कभी सुना नहीं ऐसे वक्त, जो पहली बार हमने सुना है कि इतना मतलब इस लाइन मतलब पद यात्रा करते हैं, बहुत खुशी होता है हमें जी। जी, देश के लिए पदयात्रा करते हैं, बड़ी बात है।